वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज जो मैं आपको चीले की रेसिपी बनाना बता रही हूँ वो बहुत हेल्दी चीला है और मीठा है। आप देख सकते हैं ये मैंने आटे से बनाया है। ये देखिए मैंने होल व्हीट फ्लार लिया है, जो अपना सादा रोटी के लिए घर में आटा यूज करते हैं वो मैंने हाफ कप लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने सूजी ली है और हाफ कप से थोड़ा कम मैंने शक्कर ली है। ये ब्राउन शक्कर है, शुगर की जगह आप इसको यूज करेंगे तो हेल्दी रहेगा। थोड़ा सा मिल्क है और वाटर है। आप पूरा मिल्क में भी बना सकते हैं, पूरा वाटर से भी बना सकते हैं, हाफ हाफ भी यूज कर सकते हैं। और मैंने देसी घी लिया है। ये कंप्लीट ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट का बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बाउल हमने ले लिया है, इसके अंदर हम आटा, सूजी और शक्कर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी, लिख दूंगी, आप उससे भी देख सकते हैं। ऐसे पहले अच्छे से सूखा इसको मिक्स करेंगे, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। हाफ कप दूध मैंने डाल दिया है इसमें और आप देख सकते हैं इसमें लम्स ना पड़े, ऐसे हमको इसको मिक्स करना है। और थोड़ा हम पानी डालेंगे और इसको ऐसे मिक्स करेंगे। ये जो है इसकी कंसिस्टेंसी पोरिंग होनी चाहिए, बहुत थिक नहीं होना चाहिए, और ताकि शक्कर इसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाए हम इसको 10 मिनट्स के लिए रख देंगे। आप देखिए ये ऐसा है कुछ, मैं थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी क्योंकि रखने के बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ा होगा। और अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए ढककर रख देंगे। ये देखिए ये आफ्टर 10 मिनट्स घुल गया है अच्छे से। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। बहुत ध्यान से पानी डालना है ताकि ज्यादा पतला ना हो। और अब ये बिल्कुल ठीक है, ये देखिए। अब हम इसको तवे पर सेक लेते हैं। तवा गर्म हो चुका है, हम इस पे हल्का हल्का घी लगाएंगे, बहुत थोड़ा सा लगाएंगे। और हम इस पे ये बैटर फैलाएंगे। इस तरह से तवे को टिल्ट करके हम इसको फैला लेंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये बना है, क्योंकि कभी कभी हम अगर चमचे से फैलाते हैं तो वो उसके साथ आ जाता है। तो ये बिगनर्स के लिए है, इसलिए मैंने कहा है कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली मत रखिए। दूसरा पैन भी हमने गर्म कर लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और इसमें भी हम हल्का सा घी लगाएंगे। मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी, देखिए बहुत न्यूट्रिटिव है और ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये देखिए इस टाइप से हम इस बैटर को करेंगे और हैंडल से इसको फिर से ऐसे फैला लेंगे। और सिकने के लिए छोड़ देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें सेकना है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। ये इधर से सिकना शुरू हो गया है, हम हल्का सा घी इसके ऊपर भी लगाएंगे। देखिए घी है, शुगर है, एनर्जी के लिए, शुगर यानी आपकी शक्कर है ब्राउन वाली जो हेल्दी है, और आटा है, तो कंप्लीट ब्रेकफास्ट है। अब हम इसको सिकने का इंतजार करते हैं। अब हम इसको पलट लेंगे और ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। ये देखिए इधर अच्छे से ये ब्राउन हो गया है और सिक भी गया है। घी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं।
ये देखिए हल्की हल्की इधर जाली भी है, जाली भी पड़ी हुई है, तो बहुत अच्छा लगने वाला है। तो दोनों तरफ से हम इसको ब्राउन सेक लेते हैं। इसके भी ऊपर हमने घी लगा लिया है, इसको भी हम चेक करते हैं। थोड़ा और हमें दोनों तरफ से सेकना पड़ेगा, हल्का ब्राउन करके हम इसको उतार लेंगे। इधर से भी अच्छे से सिक गया है और अब हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा चीला हमारा बना है। इसी टाइप से हम सारे घोल के चीले बना लेंगे। ये चीला भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है, इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो देखिए हमारे यमी से लगने वाले चीले बनकर तैयार हैं। जरूर ट्राई कीजिए, और बहुत कम टाइम लगता है आप घोल कर, जब तक आप कुछ और काम कर रहे हैं घोल कर 10 मिनट्स के लिए रख दीजिए और आकर तवे पर उतार लीजिए। और इसको आप मीठे हैं बट अचार के साथ, आम के अचार के साथ खाएंगे तो भी टेस्टी लगेगा, और मिल्क के साथ लेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये आपसे रेसिपी आप ट्राई करते हैं और बनाकर अच्छी बनती है तो प्लीज प्लीज आप जरूर मेरे से शेयर कीजिए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। थैंक यू।